राफेल मामले पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। अंबाला में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता की अगुवाई में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी का पुतला जलाकर भाजपा ने अपना रोष व्यक्त किया। बीजेपी की मांग है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस राफेल मामले पर देश से माफी मांगे। राफेल विमान मामला अब कांग्रेस की गले की फांस बनता जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद घिरी कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर है। जहां एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी से ये मांग कर रही है कि राहुल देशवासियों से माफी मांगे, वहीं अंबाला में बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाए कि कांग्रेस ने हमेशा से ही देश की जनता को गुमराह किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मांग की है कि वो देश से माफी मांगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अंबाला जिला के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी से विशेष रूप से श्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से देश के सामने जो उन्होंने राफेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए थे जो झूठे सिद्ध हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रक्रिया के अंदर कोई दलाली नहीं हुई, कोई घपला नहीं हुआ, कोई अनियमितता नहीं हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से ये मांग कर रहे हैं कि वो देश की जनता से माफ़ी मांगे। उन्होंने देश के सामने जो ये झूठी बातें कही थी लोकसभा चुनाव के माध्यम से कि इस सौदे में अनियमितता हुई है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चोर चोर तक कहा था, चौकीदार चोर तक कहा था। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता राहुल गांधी से, कांग्रेस से और सोनिया गांधी से मांग कर रहे हैं कि वो देश की जनता से माफ़ी करें। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल जांच के मामले में दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। उसी के बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसलिए बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस को पूरे देश और देश के पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए। अम्बाला से कृष्ण बारी की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।